आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर निकले और इस साल जनवरी में जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की आमने सामने मुलाकात होगी। लिहाजा यह आपके लिए जानना जरूरी है कि बाइडेन से मोदी की मीटिंग का एजेंडा क्या होगा और इस महामुलाकात के मायने क्या हैं, साथ ही वहां कौन सी मीटिंग है और भविष्य में भारत की भूमिका पर इसका क्या असर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र एयरपोर्ट पहुंचे, हाथ हिलाकर अधिकारियों का अभिवादन किया और फिर रवाना हो गए उस अमेरिका दौरे पर जो कई मायने में ऐतिहासिक होने वाला है। अमेरिका दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और आपसी हितों के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर विचार साझा करूंगा। मैं राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। पीएम मोदी के इस बयान से अमेरिका दौरे की अहमियत को समझा जा सकता है, जहां अब से कुछ ही घंटों बाद वो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंचेंगे, यहां वो द विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रुकेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो होटल देख रहे हैं ये है द विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, इसमें प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अब इस होटल की एक विशेषता है, ये होटल ठीक जो है वो व्हाइट हाउस के सामने में है, यानी कि मैं अपने कैमरा सहयोगी वीरेंद्र को कहूंगा कि वो दिखाएं। ये देखिए, ये सामने में कैमरा सहयोगी हैं और ये जो हमारे अमेरिकन भाई हैं ये यहाँ पर एक पैसेज बना रहे हैं। पैसेज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर रहेंगे तो सुरक्षा की जो तैयारी होगी कि इसके उस तरफ कोई ना जाए, और यहाँ पर लोग पैसेज इसलिए बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के वॉशिंगटन पहुँचने से पहले ही व्हाइट हाउस ने स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है, जहाँ वो पहली बार आमने सामने अमेरिका के मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलेंगे। ये मीटिंग न सिर्फ प्रेसिडेंट जो बाइडेन और पीएम मोदी बल्कि दुनिया की दो महाशक्तियों की महामुलाकात होगी, जिस पर हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क के साथ दुनिया की भी नजर होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच दो सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिल रहे होंगे, जिसका असर साफ दिखेगा। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष ने भी महाकवरेज की बड़ी तैयारी की है। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से पल पल की रिपोर्ट देंगे। भारत से 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुकी है और मेरे पीछे है डलास एयरपोर्ट, जहां कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान उतरेगा। पीएम मोदी और बाइडेन की मीटिंग में अफगानिस्तान के हालात पर भी गंभीरता से चर्चा हो सकती है, जहां अगस्त से ही अशांति और अराजकता फैली है। हालांकि पीएम मोदी का 4 दिनों का अमेरिकी दौरा काफी व्यस्त होने वाला है। 4 दिनों में पीएम मोदी की 8 मीटिंग होगी। 23 सितंबर को अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से 2 पक्षीय मीटिंग होगी। पीएम मोदी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी मिलेंगे। 23 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से मीटिंग होगी। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। 24 सितंबर को क्वाड की अहम बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुख से चीन की चुनौतियों और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 25 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में पीएम मोदी का भाषण होगा। 24 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। ये मीटिंग भी व्हाइट हाउस में होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन में जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भी बायलेटरल मीटिंग करेंगे। एजेंडा साफ है कि भारत के नेतृत्व में वैश्विक शांति और समृद्धि को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकों में साथी देशों के साथ अफगानिस्तान, आतंकवाद, चीन की आक्रामकता, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच परमाणु सबमरीन के निर्माण को लेकर हुए ऑकस समझौते, जलवायु परिवर्तन और व्यापार में प्राथमिकता का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे में सबसे खास कार्यक्रम होगा क्वाड देशों के नेताओं की आमने सामने होने वाली पहली बैठक। दरअसल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने अब तक वर्चुअल तरीके से ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया है। दुनिया के लिए सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस संयुक्त राष्ट्र को दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के प्रमुख संबोधित करेंगे, जहां मानवाधिकार, मानवता और आतंकवाद की बात होगी,
अब वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान बैठना चाहता है। तालिबान ने मांग की है कि न्यूयॉर्क में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान को भी संबोधित करने का मौका दिया जाए। तालिबान ने दोहा में मौजूद अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का राजदूत भी नियुक्त कर दिया है। ऐसे में तालिबान को लेकर दुनिया दुविधा में फंसी हुई है। सवाल है कि क्या यूएन में आतंकी संगठन का प्रतिनिधि भी शामिल होगा और क्या वो दुनिया को संदेश दे पाएगा।